हेलो एंड वेलकम टू द कपना पाइनरी ट्रेडिंग के बीटी फैमिली गाइस। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बोनस को रियल मनी में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको बोनस मिलेगा, कहाँ से इसको रियल मनी में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद अपने अकाउंट में विड्रॉल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये हमारे लिए सही होगा, हमारा अकाउंट वगैरह तो ब्लॉक नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसीलिए आप जो है अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, तो फटाफट से आप जो है नीचे कमेंट कर देना और आपके लिए वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया उसे भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पे आपको बोनस मिलने वाला है और साथ में वहां पे मैं आपको सिग्नल्स भी देता हूं, उनका यूज करके आप जो है अपना प्रॉफिट बना सकते हो, लॉस है तो लॉस रिकवरी भी कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना क्यूटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो में, आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जो है बोनस यूज़ करना है, उसको फिर रियल मनी में कन्वर्ट करना है और अपने अकाउंट में विड्रॉल लेना है। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो में, सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। सो फाइनली गाइज हम आ गए हैं अपने टैब की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है बोनस को रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो, ये मेरा लाइव अकाउंट है और यहाँ पे मैंने 25% का बोनस ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है $100 डिपॉजिट किया था और यहाँ पे मैंने 25% बोनस यूज़ किया था जिसके वजह से मुझे 2000 रुपये का आसपास लगभग बोनस मिला हुआ था, ठीक है। तो अब जो है इस बोनस को हमें रियल मनी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको आपको फुलफिल करना होगा तभी आप जो है उसको रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टास्क जो है बड़ा होता है बट आप एक्चुअल में अगर सही ट्रेडिंग करते हो तो आप जो है इसको इजीली अचीव कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2000 रुपये का ऑलमोस्ट जो है बोनस लिया हुआ था, ठीक है। तो आपने जितना भी बोनस लिया है, ठीक है, सपोज करो मैंने 2000 का बोनस लिया था, उस पर आपको क्या करना है, इंटू 100, ठीक है। तो इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपका क्या होगा, ये 2 लाख रुपये, ठीक है, 2 लाख रुपये, ठीक है। तो आपको इतना टर्नओवर करना होगा, लॉस हो प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं है। सपोज करो आपने 500 का ट्रेड लिया, वो लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो टर्नओवर होगा वो 500 का दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है अपना टर्नओवर कंप्लीट करना है और जैसे ही आपका टर्नओवर कंप्लीट होता जाएगा आपका यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे मेरा दिख रहा है 99% जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल जो टर्नओवर करना था 2,04,775 रुपये का, ठीक है। अभी मेरा जो हो चुका है वो है 2,03,775 रुपये, ठीक है। सिर्फ मुझे 1,000 का टर्नओवर और करना है, ठीक है, और जो है ये मेरा रियल मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी विड्रॉल करने जाऊँ, एक सेकंड मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी मैं विड्रॉल करने जाऊँ, अगर एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं विड्रॉल के सेक्शन पे जा रहा हूँ तो मुझे कितना बैलेंस हो रहा है, 13,231 रुपये, ठीक है। पूरा विड्रॉल नहीं हो रहा है क्योंकि इस पे जो है कुछ अभी बोनस लगा हुआ है। अभी हमें कितना टर्नओवर करना है, हमें यहाँ पे 1,000 रुपये का सिंपल सा और जो है टर्नओवर अपना कंप्लीट करना है और जो है ये यहाँ पे दिखा रहा होगा ये, इसको हमें 1,000 रुपीज़ का सिर्फ और अपना टर्नओवर कंप्लीट करना है, फिर हम जो है इसके बाद अपना जो है बोनस को रियल मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का ट्रेड लेके आपको दिखा देता हूँ कि ये सच में जो है रियल मनी में कन्वर्ट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से चार्ट पे, यहाँ पे मैं कोई अच्छे से एंट्री ढूंढने का ट्राई करता हूँ और जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैं ट्रेड करने के लिए सोच रहा हूँ। एक सेकंड में देख लेता हूँ और अच्छे तरीके से मार्केट को, जिससे कि हम यहाँ पे लॉस ना हो, ठीक है, दूसरे मार्केट में ही चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ अच्छी खासी मुझे कंडीशंस मिल नहीं रही जिसकी वजह से यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस कर पाऊँ, ठीक है। ये OTC मार्केट है तो अभी देखते क्या है। ओके, यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करें, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करें, तो मार्केट इस लेवल से जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी डाउन है, तो हमें यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना बेस्ट होगा। बट अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक आता है तब, ठीक है, उसके पहले हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हम रिस्की जोन में हैं। ओके, तो देखते हैं अभी क्या रहता है, अगर हमारा वहाँ तक मार्केट उस टारगेट तक जाता है उसके बाद यहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड जो है लेने का ट्राई करेंगे। ओके,
तो देखते हैं अभी क्या रहता है। तो गाइज यहाँ पे अभी हमारा 92 रुपीज़ सेलेक्ट है, तो इसको मैं फटाफट से 1000 रुपीज़ कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ का ही ट्रेड लेने वाले हैं, और जैसे ही हम 1000 रुपीज़ का ट्रेड लेंगे, ये हमारा टोटल जो है विड्रॉल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या रहता है, मार्केट क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द मार्केट, मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाने का ट्राई कर रहा है, बट एक्चुअल में ये जो गैप यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, एक सेकंड आपको दिखा भी देता हूँ कि उस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है कि मार्केट जो है अपवर्ड भी जा सकता है यहाँ से। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस गैप को फुलफिल करता है, जो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, सो गाइज अभी हमने जो है अपना चार्ट चेंज कर लिया, वहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हम यूरो JPY पे आ गए, परसेंटेज थोड़ा सा डाउन है, बट यहाँ पे हम जो है ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा अपवर्ड जाने का ट्राई करूँगा, अगर ये ट्रेड डोजी बनता है तो। ठीक है, ये मेरा शो शॉर्ट पैटर्न है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे अपवर्ड जाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो देखते हैं अभी क्या रहता है इस ट्रेड का हमारा रिजल्ट, क्योंकि उसके प्रीवियस कैंडल जो हमारा हैमर बना हुआ। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने जो है अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस ट्रेड का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बट देखते हैं अभी हमें लास्ट सेकंड में क्या देखने को मिलता है रिजल्ट। लास्ट सेकंड में भी हमें लॉस देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ कि जैसा कि मार्केट कंडीशंस यहाँ पे बनी है, और रिफंड भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है मूव ले नहीं रहा है। देखते हैं एक सेकंड, ओ कितना बड़ा मूव आया और हम यहाँ पे लॉस हो चुके हैं। ठीक है, बट अभी देखते हैं हमारा जो है बोनस कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, ये हमारा बोनस जो है पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल सेक्शन में जाके देखते हैं, अब हमारा जो विड्रॉल है अभी भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है कुछ ट्रेड हम यहाँ पे और कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये हमारा बोनस जो है रियल मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी जितना हमारा बोनस था सिर्फ हमने उतना ही कंप्लीट किया है। थोड़ा सा एक मतलब 100 रुपीज़ का भी अगर आप ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दे दो तो आपका जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा टारगेट। ठीक है, तो हम एक ट्रेड और जो है यहाँ पर अपना थोड़ा सा लॉस को रिकवर भी करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 2000 रुपीज़ का ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अगर ये भी हमारा लॉस होता है हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करेंगे और जो है ट्रेडिंग को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ पे बोनस भी रियल मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हम जो है एक ट्रेड प्लेस करने वाले हैं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है देखो बायर्स की जो है एंट्री एकदम फेल हो चुके हैं, यहाँ पे बायर्स आ नहीं पा रहे हैं और सेलर्स हमारे थोड़ा सा एक्टिव होके यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ट्रेड का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पर ट्रेड जो है प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो गाइस हम तो यहाँ पे ODM रहे हैं, लेकिन हमारा जो बोनस है वो तो अब रियल मनी में कन्वर्ट हो चुका है, बट यहाँ पे अभी हमें शो नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है वो चीज़ हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे अगेन मुझे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एंट्री मिल गई है। वही मार्केट है जिस पे हमने पिछली बार ट्रेड प्लेस करी थी, बट वहाँ पे मार्केट ने हमें ट्रैप किया था। इस बार हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। देखते हैं इस ट्रेड का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस मार्केट ने हमें जो है वहाँ पे ट्रैप किया था, बट अगेन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम इजीली विन हो जाएंगे। अभी हमारा बोनस जो है रियल मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कल देखते हैं, ऑटोमेटिक ये जो है रियल मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमने जो है एक ट्रेड और प्लेस करके अपना जो है यहाँ पे लॉस तो रिकवर कर लिया है। ठीक है, बट एक्चुअल में हमारा जो है अभी बोनस वो रियल मनी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद कोई इशू आ रहा है, बट पिछली बार जब मैंने इस चीज़ को किया था वो एक ही बार में हो गया था। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश वगैरह और करते हैं, फिर शायद ये जो है अपने आप जो है कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, ये बोनस जो है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो सब पूरा हो चुका है। ओके,
गाइस आज जो है 5 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल हमने जो ट्रेड करी थी वो 4 अगस्त को करी थी। आप यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। आज हमने ओनली 3 ट्रेड करी हो और 3 के 3 हमारी प्रॉफिट थी। OTC मार्केट था तो यहाँ पे हमने जो है अपने ट्रेडिंग को क्लोज किया था। बट आपको मैं आज ये दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा बोनस था वहाँ पे कल कुछ ग्लिच दिखा रहा था, बट अभी हमारा जो लाइव अकाउंट है वहाँ पे आप देख सकते हो बोनस शो नहीं हो रहा है, यानी कि वो रियल अमाउंट में कन्वर्ट हो गए। आप ये देख सकते हो जो आपके सामने ही मैंने वो कल ट्रेड करी हुई थी, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करी है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ विड्रॉल सेक्शन में जाके कि क्या हमारा विड्रॉल अवेलेबल हो रहा है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा जो है विड्रॉल पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ पे पूरा विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अपने बोनस को एक रियल मनी में कन्वर्ट करना है और रियल मनी में कन्वर्ट करने के बाद विड्रॉल करना है, ठीक है। तो आपको बोनस लेना मस्ट है। अगर आप बोनस लेते हो तो आपसे इसका कोई लॉस नहीं है, ठीक है, कि आप बोनस ले रहे हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। अगर आप अपना क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आप उसे विड्रॉल कर पाओगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। और आपको बोलना चाहता हूँ, देखो बोनस जब भी आए आपके लिए बेनिफिशियल होता है, उसको ज़रूर यूज़ करो। ऐसा मत करना कि हाँ हमारा बोनस है उसकी वजह से ये कट हो जाएगा तो मैं विड्रॉल ना करूँ। ये चीज़ें कभी माइंड में मत लाना। अगर आपका विड्रॉल करने का टाइम हो रहा है, यानी कि आपने अच्छा पैसा कमा लिया, तो आप उसे विड्रॉल करो। इसे टर्नओवर कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी अगर आपसे टर्नओवर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप मत करो, ठीक है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें, किस तरीके से हमें जो है बोनस को रियल मनी में कन्वर्ट करना है और जो है अपना प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सही तरीके से सभी लोग ट्रेड करो और अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक करो।